जब ये कहा था कि इस देश में 4 बीवी 40 बच्चे नहीं चलेंगे, तो मेरे बयान की बोली लगाई गई थी। जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, ये देख लीजिए 70 साल में 2 करोड़ से 32 करोड़, अगले 70 साल में क्या होगा, कहाँ रहेंगे लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर, मैं हूँ आपके साथ भारती सिंह। आज हम आए हैं बीजेपी सांसद उन्नाव से साक्षी महाराज जी से मिलने और उनसे कुछ खास बातचीत करने। अक्सर साक्षी महाराज जी हिंदुत्व को लेकर उग्र रहते हैं और अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद भारती सिंह महाराज जी। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये कि अभी हाल ही में आपका एक बयान आया जिसमें आपने कहा कि मुस्लिमों को अल्पसंख्यकों की श्रेणी से हटा देना चाहिए क्योंकि वो हिंदुस्तान में ज्यादा मुस्लिम है, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में है, तो इस वजह से उनको इस अल्पसंख्यकों की श्रेणी से हटा देना चाहिए। यद्यपि भारत की आजादी की लड़ाई हिंदू मुसलमान दोनों भाई मिलकर लड़े थे, बराबर की भागीदारी थी। हमारे यहाँ फैजाबाद की जेल में जो अयोध्या चर्चा का विषय बना है, वहाँ पंडित बिस्मिल को फांसी लगी थी तो अशफाकुल्ला को भी उस जेल में फांसी लगी थी। बापू ने भी कहा था हमारी लाश पर होगा देश का बंटवारा, हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे। पर कुछ राजनेताओं की महत्वाकांक्षा, कुर्सी का लोभ इस देश को लूट हुआ और बापू के सामने ही देश के 3 टुकड़े हो गए। एक 2 टुकड़ों में पाकिस्तान बन गया, एक हिंदुस्तान बन गया, और जाति आधार पर ये बंटवारा हुआ कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, उसके आधार पर देश का बंटवारा हुआ। पर मैं वेलकम करूंगा उन मुस्लिम भाइयों का, थोड़ी संख्या में सही, उन्होंने ये तय किया कि भारत हमारी भूमि है और हम भारत नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं रहेंगे। पर आज की डेट में पाकिस्तान में 20 करोड़ आबादी है, केवल 95% मुसलमान है, शेष अन्य आबादी है। हिंदुस्तान में बहुत लोगों को आज़ादी के बाद देश विभाजन हुआ तो अल्पसंख्यक का दर्जा मिला, उसमें मुस्लिम भी थे। आज़ादी के समय 2 करोड़ थे, उसमें सिख भी थे, यहूदी भी थे, पारसी भी थे, जैन भी थे, बौद्ध भी थे। तो मैं सबके अल्पसंख्यक दर्जे को हटाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन आज़ादी के समय देश बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या 2 करोड़ थी और आज 32 करोड़ हो गई, और मुसलमान हमारा छोटा भाई है, बराबर का हिस्सेदार है। पहले वो एक हिस्सा मांग बैठे हमसे। तो अब जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सब्सिडी के मामले में देश के लोगों से आग्रह किया था कि जो लोग आर्थिक दृष्टि से संपन्न है उन्हें सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए, हम लोगों ने एक मुहिम पहले चलाई थी, शायद आपने देखा कि नहीं देखा, जरूर देखा होगा पत्रकारिता में, तो कि जो लोग आर्थिक आधार से बहुत मजबूत हैं, जैसे मैं पिछड़ी जात से आता हूँ, या मोदी जी हैं, या कुछ दलित समाज के लोग हैं, जो बहुत मजबूत हैं आर्थिक आधार पर, उन लोगों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। उसी आधार पर जब मुस्लिम इस देश में 32 करोड़ हो गया 2 करोड़ से, तो उन्हें बड़े हृदय का परिचय देना चाहिए और अल्पसंख्यक का दर्जा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बड़ा भाई कमाता है, टैक्स देता है, और छोटा भाई उसको खाए चला जाता है, तो ये देश का नुकसान हो रहा है। इसलिए मैंने चर्चा के लिए, मीडिया में चर्चा हो, नेताओं में चर्चा हो, दलों में चर्चा हो, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, कि पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है, बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है और हिंदुस्तान में केवल मुसलमानों की आबादी जनसंख्या 32 करोड़ है, तो 32 करोड़ जनसंख्या वालों को अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैंने इस बिंदु को छेड़ा है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, पर इस मामले को लेकर के मैं सभी दलों, मेरे मित्र वहाँ चर्चा करूँगा, माननीय मोदी से आग्रह करूँगा, मैं प्रयास करूंगा इसमें प्राइवेट बिल आए या सरकारी बिल लेकर के आए। ये राष्ट्र हित में बहुत आवश्यक है कि इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज जब देश में रहता है तो ये अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म होना चाहिए।
माना जी, एक लिस्ट के बारे में आपने पहले बात की थी जो कि सामने आई थी, जिसमें कहा था आपने कि आपके पास एक लिस्ट है जिसमें जो मुसलमान लड़के हैं वो अगर किसी हिंदू से शादी करते हैं तो उन्हें इतना पैसा मिलेगा, अगर वो किसी और किसी पंडित से शादी करते हैं तो इतना पैसा मिलेगा, या किसी राजपूत से शादी करते हैं तो इतना, तो वो लिस्ट जो है वो हम जानना चाहेंगे कि वो आपके पास कहाँ से आएगा। नहीं, वो मैंने इस संदर्भ में कहा था मैडम जी कि लव तो बहुत अच्छी बात है, प्रेम और हमारे यहाँ कहा है लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है, और प्रेम विवाह की परंपरा सृष्टि के प्रारंभ से चली आई, तो प्रेम विवाह का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन लव के साथ जब जिहाद जुड़ जाता है तो जहर हो जाता है, खतरनाक हो जाता है, और जिहाद का अर्थ हर विचारक जानता है कि जिहाद का अर्थ क्या होता है, तो लव के साथ जिहाद जुड़ता है इसका अर्थ होता है हिंदू बहनों को फंसाइए और जिहादी पैदा करने के लिए उनसे आतंकी पैदा करिए, और आतंकी पैदा करने के बाद बहनों को लात मार के घर से निकाल दीजिए। इसलिए लव जिहाद के आधार पर जितने विवाह हुए हैं उसमें से 99% असफल हुए हैं, लेकिन जितने प्रेम विवाह हुए हैं वो 99% सफल हुए हैं। तो मैं प्रेम विवाह का विरोधी नहीं हूँ, प्रेम में जाति नहीं देखी जाती, मजहब नहीं देखा जाता, कोई छोटा नहीं देखा जाता, बड़ा नहीं देखा जाता, लेकिन ये लव जिहाद है, ये लव जिहाद सोची समझी एक विदेशी साजिश है, चाल है, और कुछ जो बहुत कट्टरपंथी मदरसे हैं, कट्टरपंथी मस्जिदें हैं, वहाँ से बाकायदा जो आप बता रही हैं कि रेट लिस्ट आपने बताई, निश्चित रूप से एक रेट लिस्ट है, उसके आधार पर मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उनको पेमेंट होता है, और ये जानकारी अब ये कहेंगी आपको कहाँ से मिली जी, तो मैं हिंदू नेता जरूर हूँ पर मुसलमानों में मेरी बहुत घुसपैठ है, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत मित्रता करने वाले हैं, अगर आप पीछे देखेंगी तो ये मेरा चित्र बना हुआ है, आप कैमरा इधर घुमा सकते हैं, ये देखिए मतीन खान, ये मतीन खान आज तक मुझे देखा नहीं है, मैंने इनको नहीं देखा है, 370,000 की मूर्ति बना करके भेंट की है मुझे उन्होंने, सोने का काम है इसमें, तो मुझे मुस्लिम बहुत चाहने वाले हैं, लेकिन वहाँ अगर मुसलमान सही बोलता है तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है, तो कुछ मुसलमान चाहते हैं कि उनकी बात को मैं बोलूं। तो एक और सवाल मेरा आपसे है कि कृषि कानून को लेकर जो इस वक्त देश में आंदोलन चल रहा है किसानों का, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप, क्या लगता है कि ये कानून जो जिस तरीके से इसके खिलाफ चीजें चल रही हैं क्या ये ठीक है, बिल्कुल जिस तरीके से सामने बॉर्डर सील हैं, तमाम चीजें जो हैं वो परेशानियां लोगों को झेलने को मिल रही हैं, तो इस पर क्या आपका क्या प्रतिक्रिया है? भारती सिंह जी, सबसे पहले तो मैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का अभिनंदन करूंगा, इस देश में तुष्टिकरण के आधार पर राजनीति होती रही और मुसलमान हमारे भाई हैं, उन मुसलमान भाइयों को बहकाना बीजेपी आ जाएगी तुम्हें खा जाएगी वगैरह वगैरह, ये 65 साल तक ऐसे ही शासन चलता रहा, लेकिन जब से माननीय मोदी जी आए, मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का जो काम किया विकास के आधार पर, वो जमीन पर उतर करके आ गया। जो लोग बीजेपी पर ही आरोप लगाते थे, बनिया मामन की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है, ये दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, ये आरोप लगते रहे ना, आज भी लगाते हैं लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जिसने पहला अगर राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला तो अब्दुल कलाम साहब को हमने राष्ट्रपति बनाया। अगर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी होती तो किसी पंडित को राष्ट्रपति बनाती, अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति नहीं बनाती। नंबर दो, अगर हम दलित विरोधी होते तो कानपुर के बहुत छोटी जात छोटे घर में पैदा हुए दलित समाज के आदरणीय रामनाथ कोविंद को ये पार्टी राष्ट्रपति नहीं बनाती, फिर किसी बड़ी जात वाले को राष्ट्रपति बना देती। और अगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी विरोधी होती तो बहुत छोटी जात में पैदा हुए चाय बेचने वाले ओबीसी समाज के नरेंद्र भाई मोदी को भारतीय जनता पार्टी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, जो उपेक्षित हैं शोषित हैं वंचित हैं,
ये पार्टी पंडित दीनदयाल की पार्टी है और पंडित दीनदयाल के दो बिंदु थे जिन पर आधारित है पार्टी। एक था, एक है एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद का अर्थ है सबके अंदर एक ही है, परमात्मा सब में बराबर है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई अगड़ा है न पिछड़ा है, कोई दलित है न गरीब है न अमीर है, सबको एक दृष्टि से देखो। ये सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी का एक बिंदु। दूसरा है अंत्योदय। अंत्योदय का अर्थ है जो लाइन में सबसे पीछे है, गरीब है, पिछड़ा है, उजड़ा है, जब उसका उदय होगा तो भारत का उदय होगा। इसलिए माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के 35 करोड़ से ज्यादा खाते खुलवाए। सीधे लोग दंदनाते चले गए बैंक में, बोले पीएम वाला हमारा खाता खोल दो, और खाता खुल गया और जीरो पेमेंट बैलेंस पर खाता खुल गया। 35 करोड़ इस देश में गरीबों के खाते खुलना एक मायने रखता है। आपको आश्चर्य होगा 65 साल में देश में 13 करोड़ गैस के कनेक्शन बांटे गए थे, लंबी लाइन लग रही थी, और मोदी जी ने 5 साल में 15 करोड़ फ्री में बांट दिए। किसानों ने मांग नहीं की मोदी जी से कि हमारे लिए किसान कल्याण निधि बना दो, लेकिन ये मोदी जी की सोच, अभिनंदन करूंगा, वंदन करूंगा उस पुण्यात्मा का। एक किसानों का सम्मान कैसे बढ़े, ये मोदी जी ने 2000 रुपए के हिसाब से 6000 रुपए साल में किसानों के खाते में फटाक से। एक प्रधानमंत्री वो भी तो था जो कहता था हम तो 100 रुपए भेजते हैं, 85 तो रास्ते में खर्च हो जाते हैं, 15 ही पटना पहुंचते हैं, यहाँ तो 2000 के 2000 खटाक से खाते में चले जाते हैं। लोग दर्द ये है विपक्षी दलों के में। जहाँ तक किसान बिल का आपने प्रश्न किया तो मैं ये पूरी आत्मा से कहता हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ और 250-300 जमीन का जोता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी किसान के हितैषी नहीं हो सकते तो हिंदुस्तान में कोई किसान का हितैषी नहीं हो सकता। आज किसान तो आंदोलन कर रहा है। अगर 65 साल तक किसान की नीति सही थी तो मैं विपक्षियों से पूछता हूँ, ये महाराष्ट्र में दुनिया में इतनी आत्महत्या क्यों होती थी, किसान मरता क्यों था? अभी हम बिल लेकर आए, सरकार बिल लेकर के आई, लोकसभा में चर्चा हुई, आपको वहां विरोध करना चाहिए था, राज्यसभा में चर्चा हुई, बिल पास हुआ, वहां चर्चा कर। अगर लोकसभा राज्यसभा में आप संतुष्ट नहीं हुए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला होता, आप वहां चले गए होते, लेकिन आप नहीं बोले। लेकिन जब कुछ लोगों ने कुछ किसानों के कंधे पर बंदूक धर ली और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया तो कुछ विपक्षी पार्टियां आर्थिक सहयोग, आप दिल्ली के चारों तरफ के सारे मार्ग देख लीजिए, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाके दिल्ली का बिल्कुल अंदरमन देखिए एनसीआर में, 10-20 किलोमीटर दूर जाके आपको अगर आंदोलनकारी गाड़ियां दिखाई देंगी तो केवल पंजाब वाले रूट पर दिखाई देंगे। सुनियोजित तरीके से वहां से आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो भोले भाले किसान को बहका करके कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं कि जो किसान बिल है ये किसानों के हित के लिए है, इससे बढ़िया बिल और कुछ हो नहीं सकता। फिर हमारे मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, हमारी पूरी सरकार, हमारे कृषि मंत्री जी किसानों के साथ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। या तो किसान अपनी समस्या से हमको प्रभावित कर ले, नहीं तो हमको बताएंगे अहित है कहाँ। तो ये जो बिल है वो वास्तव में किसानों का हितैषी बिल है, किसानों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अगर मोदी जी किसानों के हितैषी नहीं हो सकते तो फिर कोई नहीं हो सकता। महाराज जी, आप फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के, और जिस तरीके से आप हमेशा चर्चा में रहते हैं ये सब जानते हैं कि आप किस तरीके से जो है अपनी बात बिना किसी से प्रभावित हुए आप अपनी बात रखते हैं। बीजेपी की हमने बात कर ली, मोदी जी की हमने बात कर ली, अमित शाह की भी हमने बात कर ली, अब हम आपकी बात करते हैं। आप जो हैं, आपकी हम कहा जाता है कि आपकी राजनीति अयोध्या से शुरू हुई, राम मंदिर से शुरू हुई, मुद्दा पूरी तरीके से अब खुल चुका है, राम मंदिर बनने वाला है, चीजें शुरू हो चुकी हैं, अब साक्षी महाराज जी की राजनीति अब किस तरफ मुड़ रही है? देखिए, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, माननीय अमित शाह जी का और माननीय मोदी जी का और योगी जी का भी जीवन भर हृदय से आभारी रहूंगा। मैंने 9 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था, कभी नहीं सोचा था कि मैं गांव का मेंबर भी बनूंगा, पर भारतीय जनता पार्टी हमारे माँ की सदृश है, उसने मुझे 6 बार MP बना दिया। और MP बनने के बाद अगर धारा 370 नहीं हटती
35 ए नहीं हटता, ट्रिपल तलाक खत्म नहीं होता, अयोध्या में राम का मंदिर नहीं बनता, तो मैं अपने को ठगा जैसा महसूस करता। और यही मेरे बिंदु थे बोलने के। तो जब इन सब समस्याओं का समाधान आदमी मोदी जी ने, योगी जी ने, अमित शाह जी ने कर दिया, तो मजाक में कहता हूं कि मुझे तो बेरोजगार कर दिया। अब मेरे पास तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा, मैं किस पर बोलूं, मेरा तो राजनीति में आना पूरी तरह सफल हो गया। लेकिन अभी दो बिंदु रह गए हैं। उन दो बिंदुओं में महत्वपूर्ण है एक तो जनसंख्या को रोकने का बिल, जनसंख्या नियंत्रण बिल, और एक ये जो देश में जब देश आजाद हुआ तो जो हमारे मुस्लिम भाई यहां 2 करोड़ रह गए थे, मैंने प्रारंभ में उनका वेलकम किया, अभी उनका हृदय से स्वागत करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिनने तय किया कि हम भारत में रहेंगे। तब अल्पसंख्यक थे, तब से लेकर 70 साल तक वो अल्पसंख्यक का लाभ उठाते रहे, लेकिन अब जो 32 करोड़ हो गए हैं, तब ये अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त होना चाहिए और एक समान आचार संहिता, ये 3 ऐसे बिंदु हैं जो मुझे सोने नहीं देते हैं। क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा, पर अपनी आवाज जहां तक पहुंचा सकता हूं, लड़ाई जितनी लड़ सकता हूं, भाला जितना तेज फेंक सकता हूं, मैं फेंकने का प्रयास करूंगा और जीवन भर इस प्रयास को करता रहूंगा तब तक जब तक इन 3 में सफलता नहीं मिल जाती। तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सिर्फ एक समुदाय की तरफ या पूरी तरीके से? नहीं, पूरी तरह से। मैंने जब ये कहा था कि इस देश में 4 बीवी 40 बच्चे नहीं चलेंगे, तो मेरे बयान की बोली लगाई गई थी। मैंने किसी जाति का नाम नहीं लिया, न हिंदू का, न मुसलमान का, न पारसी का, न सिख का, किसी का नहीं। अब तो लालू प्रसाद के इतने बच्चे बोलिए ना, तो मैंने कहा 4 बीवी 40 बच्चे नहीं चलेंगे। बहु विवाह की परंपरा हिंदुओं में भी थी, तो एक न्यूज चैनल ने तो पूरी मुहिम चलाई, हम दो, हमारे दो, सबके दो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को आगाह किया, निर्देशित किया कि जनसंख्या कभी भी बम प्लास्ट की तरह इसका विस्फोट हो सकता है, इसलिए सरकार को जनसंख्या के विषय में सोचना चाहिए। जमीन सुकुड़ती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, ये देख लीजिए 70 साल में 2 करोड़ से 32 करोड़, अगले 70 साल में क्या होगा, कहाँ रहेंगे लोग। इसलिए राष्ट्र के हित में मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से, सभी वर्गों से, हिंदू मुसलमानों से, सभी धर्म के धर्माचार्यों से आग्रह है कि अपने पूर्वाग्रह को छोड़कर, दलगत राजनीति को छोड़कर, राष्ट्र के हित में सरकार से आग्रह करना चाहिए। करीब 150 MP ने हस्ताक्षर करके मोदी जी को दिया है जनसंख्या नियंत्रण बिल लेके आइए, कि सरकार को प्रयास करना चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े से कड़ा कोई कानून आवे। अब कानून क्या हो सकता है इसके विषय में कानून मंत्री सोच सकते हैं, सरकार सोच सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी मंशा है, हमारी मंशा है, देश के विभिन्न धर्माचार्यों की मंशा है, और इसमें सबको एकमत होना चाहिए। जी महाराज जी, बंगाल की तरफ चलते हैं। बंगाल में JP नड्डा जी के काफिले पर जो हमला हुआ, उसके बाद अमित शाह जी वहां पर पहुंचे उनका दौरा, तो उनके JP नड्डा के जो काफिले पर उन जिस तरीके से हमला हुआ उसको आप किस तरीके से देखते हैं, और बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी अक्सर बीजेपी भारती सिंह जी, एक प्रश्न मुझे सोने नहीं देता है, ये अमित शाह जी, ये JP नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र भाई मोदी किस मिट्टी के बने हुए, ये इतने सहनशील हैं, इतना ममता अत्याचार कर रही हैं, बदतमीजी कर रही हैं, हमला कर रही हैं, ये सहन करते चले जा रहे हैं। अगर इंदिरा जी आज प्रधानमंत्री होती तो ममता जैसी कितनी सरकारें धराशायी हो गई होती, लेकिन मैं तो इनकी सहनशीलता को नमन करूंगा, अभिनंदन करूंगा, वंदन करूंगा। बहुत लोग इनसे कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, लेकिन सब सहन कर रहे हैं। मुझे लगता है पापी के मारने के लिए शस्त्र नहीं चाहिए, उसका पाप ही पर्याप्त होता है पापी के मारने के लिए। तो जो पाप, अधर्म, अन्याय, अनीति, दुराचार, कदाचार, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने किया है, उनकी समाप्ति के लिए वही पर्याप्त है। हम लोग तो केवल भगवान का नाम लेके राष्ट्रहित में लगे हुए। वहां जो सुरक्षा व्यवस्था है
उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से जेपी नड्डा जी के काफिले पर हमला हुआ, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसकी चिंता सबको है, चुनाव आयोग ने भी इसकी चिंता की है। तो लोग, चुनाव होता है तो 2, 4, 10, 5, 100, 150 जो बूथ होते हैं उनको संवेदनशील घोषित कराते हैं। और मेरे संज्ञान में आया है, क्या सही है क्या गलत है, कि चुनाव आयोग सारे बूथों को संवेदनशील घोषित करने वाला है। इसका मतलब चुनाव आयोग को भी पता है कि वहाँ की स्थिति क्या है। तब भी ममता जी की समझ में नहीं आ रही, ममता जी की आधी पार्टी टूट गई तब भी समझ में नहीं आ रही। और बड़े अच्छे अंदाज में अमित शाह जी ने कहा, दीदी चुनाव आएगा तब तक तुम अकेली रह जाओगी, सब हमारे पास आ जाएं। जी, चुनाव की बात की आपने, तो आम आदमी पार्टी का की पूरी पुरजोड़ तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। उत्तराखंड में भी आज उन्होंने ऐलान किया है कि वहाँ इलेक्शन वो लड़ेंगे, और यूपी में उन्होंने पहले ही कह दिया। तो क्या लगता है, दिल्ली से ये पार्टी उत्तराखंड में, यूपी में घोड़ा नाल ठुकवा रहा हो और मेढक भी अपने पैर में नाल ठुकवाने लगे तो हमें क्या ऐतराज है? परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। दिल्ली संभल नहीं रही, यूपी के उत्तराखंड के सपने देख रहे हैं केजरीवाल जी, और उनके बारे में तो मीडिया में चर्चा चलेगी। लेकिन मोदी जी का विकास का जादू, योगी जी का विकास का जादू, और वहाँ त्रिवेंद्र विक्रम जी का विकास का जादू सिर चढ़ करके बोल रहा है। किसी पार्टी की कोई कहीं दाल गलने वाली नहीं है। जनता मोदी में हो गई है, देश मोदी में हो गया है। आपको आश्चर्य होगा, 2-3-4 दिन पहले मेरे पास, मेरे संसदीय क्षेत्र से बांगरू में कुडीना एक गांव है, फोन आया। मैंने कहा कौन बोल रहे हैं? बोले श्रीकांत तिवारी बोल रहा हूँ महाराज जी, थोड़ा काम है। तो मैंने कहा अभी तो आपने वोट दिया है, वो श्रीकांत कटियार आपने विधायक बनाए, मैं दिल्ली में जाके मिल लो। बोले मैं नहीं मिलूंगा। मैंने कहा आपने वोट नहीं दिया क्या? बोले ना मैंने वोट उनको दिया, श्रीकांत कटियार को, ना आपको दिया। मैंने वोट नरेंद्र भाई मोदी को दिया है, और जब तक जीऊंगा, मेरा कोई काम हो या ना हो, मैं नरेंद्र भाई मोदी को वोट देता ही रहूंगा। तो जब इस प्रकार से लोगों ने संकल्प ले लिया है, सारा देश मोदी में हो गया है, मोदी का दीवाना हो गया है, तो कौन लड़ेगा मोदी से? मोदी से लड़ने की सोचना भी नहीं चाहिए। अब सोचा है केजरीवाल ने, परिणाम भुगतेंगे। आखिरी सवाल महाराज जी, चुनाव यूपी में भी अब आएंगे, क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे और जो है वो लेकर आए? हमारे लिए चुनाव राजनीति बहुत छोटी सी बात है, हमारी पार्टी के लिए। हम लोग उस पार्टी के सदस्य हैं जिसका एक एक कार्यकर्ता महामंत्र जपता है, 13 वैभव अमर रहे मां हम जिन 4 रहने। हम राष्ट्र की राजनीति करते हैं, परिवार की राजनीति नहीं करते। यहाँ वो नहीं है कि पत्रान भाई सोनिया गांधी जो कहें सो सब सही। ये एक एक परिवार की पार्टी नहीं है। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, कार्यकर्ता बेसिस पार्टी है, और यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, नेता चुनाव नहीं लड़ता। आप मुझे देख रही हैं, मैं 6 बार से एमपी हूँ, और 6 बार के एमपी में मैंने 6 लाख रुपया खर्च नहीं किए। मानिए अमित शाह जी मेरे यहाँ सभा करने गए, भरी सभा में कहा भैया सुनो, ये साक्षी महाराज हैं, पैसे की अपेक्षा मत करना, आशीर्वाद ले लेना। और जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक किसी को उतना वोट नहीं मिला जो बिना पैसे का मुझे मिल गया। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेसिस पार्टी है। मोदी जी ने काम किया है, यूपी में योगी जी ने काम किया है, कोई कहीं नहीं टिकेगा। भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनेगी। और कांग्रेस में अटकलें लगाई जा रही हैं कि वापस से राहुल गांधी जो है वो अध्यक्ष का पद संभालेंगे। अगर हम तो आपके मुंह में घी शक्कर, अगर राहुल गांधी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं तो हमारी तो लाठी नहीं, और अच्छी बात है। कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है, राहुल गांधी पर्याप्त। और सोनिया गांधी? अब दोनों एक ही थैले के चटपटे हैं, वो परिवार से बाहर कोई नहीं निकलने वाला, वो परिवार की पार्टी है। जो परिवार की गुलामी कर सकता है वही उस पार्टी में रह सकता है। और जरा किसी ने जवान हिलाने की कोशिश की, चाहे कभी सिब्बल ही क्यों ना हो, चाहे गुलाम नबी आजाद ही क्यों ना हो, जरा सत्य बोलने का किसी ने प्रयास किया उसी पर उंगली उठने लगे। और आपने देखा पिछले दो महाराज जी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारती सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उन्नाव से सांसद
साक्षी महाराज जी, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।